अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज का ब्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट कर रही हूँ, और सुबह सुबह पार्सल आया, मम्मा ने उठाया कि बेटा आप अपना पार्सल ले लो, जो मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था भाई के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। और उनको हैंड फ्री चाहिए थे, वॉच चाहिए थी, और साथ में था पावर बैंक। तो ये तीनों चीज़ें मैंने पेज से ऑर्डर कर दी थी, उन्होंने कहा था मेरे लिए कर देना, तो वो ऑर्डर किए। मैं देख रही हूँ कि चीज़ें ठीक हैं, शाम में आपको ओपन करके भी दिखाऊंगी कुछ चीज़ें। तो आज सुबह सुबह उठ के ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था कि आपके साथ शेयर करूँगी पूरा दिन कैसा गुजरा। तो बस ये चीज़ें मैं रख देती हूँ साइड पर, बाद में आके फिर ओपन करके आपको शाम में दिखाऊंगी। तो आज का जो मेन काम था, मैंने भाई को बोला था कि यहाँ पे शीट लगानी है जो कि लग चुकी है, चुटकी बजा के इतनी जल्दी नहीं लगती, काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन ऐसे मार्बल इफेक्ट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। और रमज़ान की प्रेपरेशन तैयारी हो रही है, तो इस वजह से मैंने इस टेबल को थोड़ा सा किचन में चेंजिंग करने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मम्मा को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो हैप्पी भी हो गई थी। तो बस मैं बाकी चीज़ें यहाँ पर रख दूँगी, और यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा चाय वाला मिल जो है वो बाहर ही हम लोग रखते हैं, इतना कार्टन ला के, तो ये यहाँ पर रख दूँगी। और बाकी चीज़ें के साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सही करती जाऊँगी, क्योंकि रमज़ान के लिए मैं ये लेकर आई थी, तो रमज़ान में ही लगाना था। थोड़ा टेबल की लुक चेंज करनी थी, आप लोग पहले देख सकते हैं कैसा है, यहाँ पर टिशू रोल वगैरह रख दिया मैंने। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों की रमज़ान प्रेप कैसी जा रही है। इंशाल्लाह मैं भी थोड़ी बहुत जो प्रेप करूँगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स भी मैंने यहाँ पे रख दी हैं, ताकि ईजीली यहाँ पे प्लग करें और यहाँ पे लगा लें। कबर्ड में नहीं रखी इस बार, यहाँ पे थोड़ी बहुत कैंडल रख ली हैं आप लोगों को दिखाने के लिए भी, और रमज़ान का लुक भी क्रिएट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे कैंडल रख ली है, मेरा कैमरा कहाँ चला गया था, तो ये अब आप देख लें कि किस तरह लग रहा है। अभी मैं फेरी लाइट्स भी ला के लगा रख दूँगी यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मामा ने कहा तुमने तो रमज़ान की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो बस अब फूड प्रेपरेशन जो है थोड़ी बहुत करनी है, वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब थोड़ी सी किचन की लुक चेंज हो गई है, और इस सिर्फ कवर से ही इतनी लुक चेंज हो गई है, थोड़ी सी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दी हैं कि इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर आ जाएंगे, तो कबर्ड में नहीं रखी, तो इस तरह और ईजी हो गया है। और फिर मैंने यहाँ पे ऑयल बॉटल वगैरह भी रखनी है, वो मैं शाम में रखूँगी, वो लेके आई हूँ, और अभी वॉश करने के लिए रखी है, तो बाद में उसे मैं रखूँगी। और यहाँ से आपको मैं फुल किचन व्यू दे रही हूँ, आप लोग मेरे घर का टूर कह रहे हैं, तो घर का इंशाल्लाह होम टूर थोड़े अरसे तक आ जाएगा। अभी थोड़ा सा मामा कह रही हैं ट्रेनिंग वगैरह करनी है उसके बाद। और यहाँ पर है ऑयल बॉटल फिल कर रही हूँ, जो मैं न्यू लेकर आई हूँ, इस ऑयल बॉटल में ऑयल डालेंगे, और शायद यहाँ पे मैं जगह बना के यहाँ पे ऑयल रख दूंगी। तो थोड़ी सी चेंजिंग से आपका किचन थोड़ा और अच्छा लगने लगता है, थोड़े देर बाद चेंजिंग करनी चाहिए। तो आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने कटिंग बोर्ड रख दिया, जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो ये वुड वाला था। और यहाँ पर मैं चीज़ें ले आई शाम को, जो मैंने कहा था मैं ओपन करूँगी, और रात को एक और पार्सल आ गया था जो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो आ गया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये पावर बैंक है, मैं भाई को सारी चीज़ें चेक करवा लूँगी, अगर ठीक है तो वरना रिटर्न, अभी एक दो दिन का टाइम है तो वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉक पे आपको खोल के दिखा दूँगी, और जो है हैंड फ्री वो नहीं ओपन करूँगी, वो भाई आके खुद ओपन करेंगे, और उनको अगर पसंद आ गए तो फिर तो वेल एंड गुड। तो ये वॉच है यहाँ पर, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी क्या क्या आया है। तो ऑनलाइन ऑर्डर करती रहती हूँ, तो आज तो दोनों पार्सल साथ में आ गए, लेकिन अलग अलग ऑर्डर किए थे, वो नून से आया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ, हैंड से भाई चेक कर लेगा, उसके बाद देखेंगे ये ठीक है या नहीं। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने ओपन की। अब जो शाम हो गई थी, तो एक और पार्सल आ गया, मैंने कहा चले आप लोगों के साथ साथ मैं ये दोनों क्लिप शेयर कर देती हूँ। तो ये मम्मा ने डिनर सेट मंगवाया था, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, मम्मा को पसंद आ गया ऑनलाइन, तो मैंने कहा चले मम्मा आपकी मंगवा लें। तो ये प्लेट तो वाइट कलर की हैं, तो ये आप लोग देख लगा किसी ने ऑर्डर करनी है, अभी भी नून पे हैं, तो जाके चेक कर सकते हैं। मम्मा को पसंद आई थी, क्योंकि ये माइक्रोवेव सेव है, और आजकल मम्मा ने कहा एक दो टूट गई हैं, तो माइक्रोवेव सेव और मंगानी है, तो ये मम्मा ने बाउल वगैरह भी मंगा लिए, और ये प्लेट भी मंगवा ली। मुझे भी अच्छी लगी थी, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से शेयर भी कर देती हूँ। नून पे ऑलरेडी पड़ी हुई है ये, और ये हैं तीन तीन का सेट, स्मॉल प्लेट, फिर ये राइस प्लेट जो होती हैं थ्री, और बाउल थ्री, ये थ्री थ्री का सेट है।
तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आप मंगा रही थी, एक और मंगा लेती तो उससे इक्का हो जाता। मम्मा कहती मुझे ज़रूरत नहीं है इतनी, तो इतनी बहुत है। तो बस शाम हो गई है और शाम को मैं किचन में आई हूँ, और किचन में क्या करने आई हूँ, किचन में मैं आई हूँ कुछ चाय बनाने, क्योंकि बाबा लोगों ने कहा था शाम की चाय पीनी है, तो मैं चाय बनाऊँगी और आप लोगों को एक और लुक दे रही हूँ शाम में कि यहाँ क्या के चेंजिंग हुई हैं। तो ऊपर मैंने मसाला रैक भी लगाया था, आप लोगों को तो शेयर किया था, उससे बहुत ज़्यादा इजी हो गया कि हमारा ये टेबल बहुत ज़्यादा खाली हो गया। तो बस यहाँ पर मैंने चाय के कप्स रखे हैं, चाय डालूंगी, पॉपकॉर्न बनाऊंगी साथ में थोड़े से, और मामा लोगों को दे आऊँगी, वो चाय पियेंगे। और शाम में आज बनना है मटन मसाला टिक्का, और आप लोगों को अगर रेसिपी चाहिए हुई थी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन आज मैंने कोई रेसिपी शूट नहीं की, बस मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया आप लोगों से शेयर किया कि आज मैंने पूरा दिन क्या किया। तो चाय बन रही है साथ में, पॉपकॉर्न बन रहे, थोड़ी सी बनाऊंगी अपने लिए बनाऊंगी और मामा बाबा के लिए बनाऊंगी, इतना ज़्यादा नहीं बना रही। तो मैं किस तरह बनाती हूँ, ऑयल में थोड़ा सा नमक डालती हूँ और कॉर्न डाल देती हूँ, उसको हाई फ्लेम पे रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और जब मुझे टुक 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 की आवाज़ें आने लगती हैं तो मैं बंद कर देती हूँ। अब शाम का टाइम भी हो गया देखें, और यहाँ पे बन रहा है मटन टिक्का मसाला, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है हमारे घर में, जब भी मटन हर मंथ में आता है तो इसका ये ज़रूर बनता है। तो सबकी फरमाइश होती है कि वो शोरबे वाला ना बने, ऐसा बने, तो ख़ास तौर पर मेरी फरमाइश होती है, तो हम लोग इसी तरह बनाते हैं, सब घर वालों को पसंद भी ऐसा ही है। तो बस मैं इसको भूनूंगी, तो कभी मामा बना देती हैं कभी मैं बना देती हूँ, तो आज इसकी अच्छी से भुनाई हम लोग करेंगे और मज़े मज़े का मटन टिक्का मटन मसाला हम बनाएंगे। इसको मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ, और फिर शाम में इसको ना कोई पेपरिका पाउडर लगाते हैं, ना हम लोग मटन को कोई कचरी पाउडर या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लगाते, ये बस इसमें हमारा गल जाता है, चूल्हे पे प्रेशर भी नहीं देते हम, प्रेशर कुकर यूज़ भी नहीं करते। मैं आप लोगों को आज एक बात बता दूँ, तो हम लोग इसी तरह से करते हैं। मेरी मामा को नहीं पसंद नहीं, मतलब उनको डर था तो वो हमेशा से नहीं चलाती, तो हमें भी वो अब माइंड में आ गया, तो हम भी इस तरह से कुकिंग नहीं करते, सिंपल चूल्हे पे ही प्रेशर नहीं देते। तो बस इसका पानी खुश्क होगा अच्छी सी, और थोड़ा सा ऑयल डाल के भुनाई करूँगी इसकी, और फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊँगी आगे। तो मामा लोग खोबत मंगवा रहे थे कि हम लोग खोबत खाएंगे, तो मेरी सिस्टर बोलती है क्यों ना पराठे बनाए जाए चले, तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं किचन में जाती हूँ दो पराठे बनाती हूँ, दादा नहीं बनाएंगे उसके लिए और अपने लिए पराठा बनाऊँगी जल्दी जल्दी। और मैं पराठे बड़े मज़े के बनाती हूँ, चकोर बना लेती हूँ, और दूसरा जैसे मामा लोग बनाते हैं वो एक ही हाथ में कोई बेलन यूज़ नहीं करते, वो तो फिर हमें नहीं आता भाई, हम तो ऐसे बताते, लेकिन मुझे मामा के हाथ का वो वाला पराठा बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। किसी दिन तो भाई तहरी में अब रमज़ान में मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस जल्दी जल्दी पराठे बनाऊँगी, आटा ताज़ा गूँधा वो तो पराठे बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, लेकिन ये आटा ताज़ा नहीं था, इस वजह से रोटी बार बार चिपक रही थी। तो मुझसे ताज़े आटे की रोटियाँ बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं, लेकिन इसकी भी अच्छी बन जाती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, स्टिक कर रही होती है इस वजह से। तो जल्दी जल्दी पराठे बनाऊँगी, और मेरी बहन चकोर खाती है, मैं नॉर्मल पराठा खाती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ऑयली वो होता है, क्योंकि पराठा ऑयली होना चाहिए तभी मज़ा आता है, थोड़ा बहुत ऑयल नहीं लगा होना चाहिए। तो बस पराठे बनाऊंगी दो पराठे, उसके साथ फिर हम मटन टिक्का मसाला खाएंगे, और इसके बाद आज का दिन एंड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आ रही है, तो क्योंकि आजकल ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं उनको बताती चलूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं आप कहाँ पर हैं, आप उम्रे पे गई हुई हैं, या आप हमें बताएं कि उम्रा खुल गए हैं। तो जी हाँ, उम्रे खुल गए हैं, जिस तरह मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ उम्रा खुल गया है, और आप लोग आ सकते हैं, मैं यहीं पर रहती हूँ जद्दा में, और यहाँ से उमरा करने जाती हूँ तो लोगों को लगता है शायद मैं उम्रे पे आई हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं यहीं पर रहती हूँ, 20 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, अब उमरे खुल चुके हैं, फ्लाइट तो ओपन हो चुके हैं, कोविड का कोई टेस्ट आपको ज़रूरत नहीं है, अभी जो न्यूज़ आ रही है। और एक और बात बताती चलूँ कि एक और खबर आई है कि बच्चे भी अलाउ हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपको कोविड टेस्ट जरूरत नहीं है, वैक्सीन जो सऊदी अरब ने अप्रूव की हुई है वो आपको लगवानी है, ये मस्ट है कि आपने जो सऊदी अरब में ही नाम दिए हैं वैक्सीनेशन के, वही आपने वैक्सीन करवा के आनी है, ताकि आप लोग इजीली आप लोगों को कोई मसला ना हो। और आज मेरा गला भी थोड़ा बैठा हुआ है, इस वजह से वॉइस ओवर ऐसी हो रही है, तो इग्नोर कीजिएगा। अब हमारा टिक्का मसाला तैयार हो गया है, और पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ें थी इसलिए मुझे वॉइस ओवर पूरी वीडियो आज करनी पड़ी। मटन टिक्का मसाला बहुत ज़्यादा मज़े का, हमारे पूरे घर का फेवरेट है, और जिन जिनको हमने बना के खिलाया उनका भी फेवरेट हो जाता है। तो
हमें इस तरह का पसंद है कि मटन बोनलेस हो, मुझे भी और हमारी फैमिली को भी, तो बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। मेरी सिस्टर को भी पसंद आया था, कहती बहुत मज़े का बना है। और ये हम लोग खाना खाएंगे, इसे फिनिश करेंगे और यहाँ पर अपना ब्लॉग एंड करूँगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।